नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिला पुलवामा में राजपुरा चौक में गश्त लगा रहे सीआरपीएफ पुलिस के जवानों पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है। जी हां दोस्तों, गनीमत यह रही है कि ग्रेनेड निशाने पर ना फटकर सुरक्षा बलों से कुछ दूरी पर जाकर फटा, जिसकी चपेट में आने से 3 स्थानीय लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि यह हमला दोपहर करीब 1:15 बजे किया गया पुलवामा के राजपुरा चौक में स्थित शहीद पार्क के पास, जब सीआरपीएफ पुलिस का संयुक्त दल सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए था। तभी भीड़ का फायदा लेते हुए कुछ हमलावर धीरे धीरे सुरक्षा बलों के नजदीक पहुंचे और उन पर ग्रेनेड दाग दिया। आतंकवादियों द्वारा फेंका गया यह ग्रेनेड निशाने पर ना गिरकर सड़क के दूसरी तरफ गिरा और फट गया। ग्रेनेड की चपेट में आकर करीब 3 स्थानीय लोग घायल हो गए। हम आपको बता दें, विस्फोट के बाद बाजार में अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने चीखना पुकारना शुरू कर दिया। मौके का फायदा उठाकर हमलावर वहां से फरार होने में सफल रहे। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमले में घायल स्थानीय लोगों को उठाकर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SOG, सेना और CRPF के जवानों ने राजपुरा चौकी के आसपास के इलाकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। घेराबंदी होने के बाद इलाके में आतंकियों की तलाश शुरू की जाएगी। वहीं पुलिस ने बताया कि वह बाजार में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। हमलावरों की पहचान होते ही उनकी धरपकड़ शुरू कर दी जाएगी। वहीं हमले में घायल 3 लोगों में से 2 की पहचान हो गई है। इनमें जितेंद्र कुमार निवासी बिहार और अजहर खुर्शीद निवासी डालीपोरा पुलवामा शामिल हैं। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप रोचक और ताज़ा जानकारी से भरी हुई खबरें सबसे पहले जान सकें। आप देख रहे हैं न्यूज़ शाला। धन्यवाद।